जो आज आए हैं तो कैसे अनुभव करेंगे? एक्शन का रिएक्शन, जब कोई नेगेटिव एक्शन हमारे सामने करता है, सुबह सुबह पता नहीं मैंने उसका चेहरा देखा, दिन भर मेरा सुबह मैंने उसका चेहरा देखा, आज तो दिन भर मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। कोई ऐसे दृश्य देखते हैं जो हमारे मन में घृणा भाव पैदा करता है, कभी ऐसे दृश्य देखते हैं जो मन उल्कन हो उठता है, आनंदित हो उठता है, फिर सीधे सोने माता है। सुनाते जाओ भाई साहब, हम सुन लेंगे, सारी बात सुन लेंगे, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, हम यहां करने के लिए बैठे हैं। किसलिए बैठे हैं? अच्छा, कल किसने मुस्कुराने की अभ्यास की थी और आज सुबह उठ के किसने किया था? कौन सी एक्शन? वो तो किरणें आ रही है जा रही, ये वाली किसने किया था? कौन कौन किए थे, हाथ उठाओ, कौन कौन किए थे सुबह उठ के ये वाली एक्शन? भाई में से किसने नहीं किए? करना ही नहीं है ना, एक बार करके देखो। चलो कई भाई तो किए हैं, लेकिन जो करेगा सो, मैं नहीं करूंगा तो बाबा कितनी बार बार पुरुषार्थ करने के लिए बोल रहा है, बच्चे योग करो तो कैसे करो, हमें थोड़ी करनी है, नहीं करनी। जिन्होंने ये अभ्यास किया है उनकी अंदर एक शक्ति दिव्यता, जो बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि है, बाबा जो बार बार कहते हैं आपके चेहरे से सेवा होने वाली है, पर मुझे तो करना नहीं है, देखो मैं कितना योग लगा रहा हूं, क्या ऐसे सिकुड़ा हुआ चेहरा से बाबा प्रत्यक्ष होगा? जो फूल मुरझा जाते हैं क्या मंदिर में उसको चढ़ाते हैं? किस कोई स्वीकार मुरझा हुआ फूल से किसी को तो लो स्वागत है आपका, अच्छा लगेगा उसको? तो भगवान की खिले हुए चेहरे से प्रत्यक्ष होना चाहता है, कौन सी चेहरे से? मुस्कुरा कर खिले हुए चेहरे से। तो ये एक्सरसाइज जरूर कल से करना, कल से करेंगे। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही भाई, चलो और एक बार कर लेते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, थोड़ा ऊपर खींचो, मैं दिव्य आत्मा हूँ, वरदानी आत्मा हूँ, खुशनसीब आत्मा हूँ, मुस्कुराती आत्मा। एक, अरे नीचे नहीं करो माता, एक दबा दबा, एक दो, गिनती करो, तीन। अरे आपकी आवाज नहीं आई, हाँ, छह, सात, आठ, कोई तो ऐसे कर रहे हैं। आपने कभी कभी गुस्से में किसी को थप्पड़ मारना था, चलो इस जन्म में नहीं किया होगा, लेकिन द्वापर से तो कितनी भयंकर लड़ाई की ना, किसी को अगर थप्पड़ मारना होगा तो उसकी गाल उधर ऐसे मारा होगा, ये रहा लगेगा, असर होगा। जितने हमने नेगेटिव कार्य किया है एक्शन के द्वारा, मैं इसलिए बता रहा हूं, आप अगर ये करोगे, मैं एक बात बताऊं, एक जगह पर गया था एक डॉक्टर के पास, वो डिप्रेशन, छह महीने से भयंकर डिप्रेशन में चला गया, कुछ थोड़ी सी कुछ कारण थी, करोड़पति है डॉक्टर, लेकिन कुछ पैसों के कारण डिप्रेशन में है, और डिप्रेशन में गया तो उसके हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा ऐसे। तो एक बार दीदी जी हमें लेके गए उनके घर में, मैंने कहा भाई साहब आपके घर में आए बड़े अच्छा लग रहा है, चलो आपका घर तो बहुत सुंदर है, आवाज ही नहीं निकल रहा। मैंने कहा कि एक्सरसाइज करोगे आपको अच्छा लगेगा, बोला हाँ। जैसे उन्होंने एक्सरसाइज कर शुरू किया, 5 मिनट के बाद ऐसे करने लगता है, क्योंकि जब मच्छर काटता है हमको, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हो,
या ऐसे करते हो? बोलो कैसे करते हो, बोलो ना थोड़ा करके। समुद्र पीछे कट रहे, यहाँ नहीं ऐसे करोगे, करोगे या नहीं? नहीं नहीं, हाथ तो लेके बड़ा धीरे से ऐसे करते। कभी कभी करते होंगे, बहुत अच्छा, आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हो, आराम से उसको मारना है, कोई बात नहीं। लेकिन एक्शन का रिएक्शन जब आप फटाफट कर लेते हो तो वहां रिएक्शन जो खुजली, जो दर्द है, राहत मिलती है, हाँ या ना? और काफी समय तक याद रहता है ये। तो सुबह उठ के एक बार करोगे ना, दिन भर में आप देखना अपने आप याद आएगी, अरे अरे मुझे मुस्कुराना चाहिए। फिर ऐसे हो जाएगा चेहरा, क्योंकि रावण अनेक प्रकार की दृश्य परिस्थिति लेकर आती है, लेकिन आप भी एक्शन का रिएक्शन होने लगेगा, अरे अरे मुझे मुस्कुराना चाहिए। चलो एक बार हाथ उठा के सर टच करके करें एक्सरसाइज, एक दो तीन चार, पांच छह, गिनती करो सर, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, ऐसे कर रहे। वो कहते हैं हमारे चेहरा मुस्कुराहट वाली है, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है ना, उसकी असर जो है ना इस पर बहुत असर करेगा। चलिए, हम सबको अगर फरिश्ता बनना है तो मुस्कुराना जरूरी है, फरिश्ता बन भी गए, लटका हुआ चेहरे से अगर आप फरिश्ते बन गए तो आपके भक्त आत्माएं आपको देखेंगे और कहेंगे कौन सा फरिश्ता लटका हुआ चेहरा, तो हमारे इष्ट देव हो ही नहीं सकता, हाँ या ना? अंतमती, बोलो अंतमती,